अनरिलीज सॉन्ग बताने जा रहे हैं, जिस गीत को मतलब अगर कहें कि यदि ये फिल्म रिलीज हो जाती तो ये भी एक उसी तरह से उनके महान गीतों में इसको शामिल किया जा सकता था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको मुकेश जी के एक अनरिलीज गाने के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, रफी साहब, मुकेश जी, किशोर दा और मन्ना डे साहब, ये चार महान दिग्गज जो गायक थे उस समय और अभी भी लोग इनको सुनते हैं, महान गायक थे। इनका जो भी गीत इनके आते या अधिकतर मैक्सिमम इन्हीं के ही गीत एक जमाने में बजते थे दोस्तों। तो इन्हीं में से मुकेश जी ने जो गीत गाए वो अधिकतर कह लीजिए कि वो सैड सॉन्ग गाने वाले ज्यादा गीत उन्होंने गीत गाए हैं। हालांकि उन्होंने रोमांटिक गीत भी गाए हैं दोस्तों, लेकिन सैड सॉन्ग्स के ऊपर उनकी पकड़ बहुत ही अच्छी थी दोस्तों। इसीलिए शायद उनको मसीहा कहा जाता है सैड सॉन्ग्स गाने के लिए दोस्तों। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपको आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं दोस्तों किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों, बात करते हैं मुकेश जी के उस गीत के बारे में जो रिलीज नहीं हो सका था दोस्तों। एक फिल्म आई थी दोस्तों, आई क्या बनी थी दोस्तों फिल्म, लेकिन वो रिलीज नहीं हुई थी। फिल्म का नाम था शुभ चिंतक। 1989 में इस फिल्म को रिलीज होना था लेकिन रिलीज नहीं हुई दोस्तों फिल्म। ये किसी कारणवश, बहुत से कारण होते हैं उसमें दोस्तों। ये डायरेक्टर सुभाष शाह द्वारा ये फिल्म डायरेक्ट की गई थी और अतुल भाटिया और जगदीश जे साहब ने इसको प्रोड्यूस किया था दोस्तों। इसकी जो स्टार कास्ट थी वो भी बड़ी उस समय जबरदस्त स्टार कास्ट थी। अरुण गोविल साहब को इसमें लिया गया था। दीपिका चिकनिया इसमें इसकी जो मेन थी, एक्ट्रेस थी इसमें, मेन लीड फीमेल मेन लीड में थी वो। शशिपुरी इसमें थे, प्रीक्षित सानी इसमें थे, इसके बाद शोभा खोटे इसमें उन्होंने काम दोस्तों किया था। इसका जो गीत लिखे थे वो अनजान साहब ने ये गीत लिखा था, मुकेश जी वाला जो गीत है, और इसका जो संगीत दिया था जगदीश जे साहब ने ही दिया था इसका। क्योंकि उस समय दोस्तों रामायण सीरियल को अपने मतलब चल रहा था जबरदस्त तरीके से, देश में चल रहा था रामायण सीरियल। उसकी कामयाबी के बाद शायद इन इन दोनों को, अरुण गोविल जी और दीपिका चिकरिया जी को फिल्म में लिया गया था और फिल्म का निर्माण किया गया था दोस्तों। बात करते हैं कि गाना जो मुकेश साहब का था जी, माना कि तेरे प्यार में दोस्तों, अनजान साहब का ये गीत लिखा हुआ और मुकेश जी ने क्या गीत गाया है दोस्तों। अगर ये गीत फिल्म में तो लिया गया था, लेकिन यदि फिल्म दोस्तों रिलीज हो जाती तो ये गीत भी उन्हीं गीतों में शामिल हो जाता जो मुकेश साहब के सुपर डुपर हिट गीत हैं दोस्तों। तो दरअसल ये गीत पहले 1970 के दशक में मुकेश जी के आवाज में दोस्तों ये रिकॉर्ड किया गया था किसी फिल्म के लिए। फिल्म का नाम तो नहीं मालूम हुआ दोस्तों। उस 1970 में ये गीत मुकेश जी के आवाज में रिकॉर्ड किया गया था, तो ऐसे ही पड़ा रहा। लेकिन जब ये शुभ चिंतक फिल्म दोस्तों बनी और इसका निर्माण शुरू हुआ तो इस गीत को, मुकेश जी के गीत को इस फिल्म में रख लिया गया दोस्तों। इस गीत को जो इसका फिल्मांकन है या इसको फिल्माया गया था, इस फिल्म में शशिपुरी एक कलाकार हुए दोस्तों, उनके ऊपर ये गीत फिल्माया गया था। तो आप इस गीत का आनंद भी उठा सकते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको इसके बारे में और जानकारी हम इसका लिंक आपको दे देंगे दोस्तों। तो इस फिल्म का निर्माण 89 में हो गया दोस्तों, फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। मुकेश जी का गीत जबरदस्त गीत सैड सॉन्ग जो था माना कि तेरे प्यार में दोस्तों फिल्म में लिया गया। तो यदि आप इस गीत को सुनना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं दोस्तों, तो गाने को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।